प्रेम के द्वारा समस्त प्राणियों को वश में किया जाता है। मेरे मन में उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था, केवल प्रेम था। सो प्रेम की भाषा को समझकर उसने मेरा कहना मान लिया। अब तुम निश्चिंत होकर बैठना। ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। बहुत सर्दी लग रही है क्या? हाँ, सारा शरीर भीग गया है। ओह, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने दिए थे, दोनों बांट के खा लेते हैं। चने? चने कहाँ हैं? तुम्हारे पल्लू में बांधे थे ना। मेरे पल्लू में? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय डालियों की रगड़ से गीले पल्लू की गांठ खुल गई थी, जिससे सारे चने नीचे कीचड़ में गिर गए। ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि तुम्हें तो भूख बहुत जल्दी लग जाती है ना। आज तो ब्राह्मण भूखा ही रहेगा। कृष्ण के होते उसका मित्र भूखा कैसे रह जाएगा? तो कृष्ण क्या कर लेगा? इस पेड़ पर तो कोई फल भी नहीं है। पेड़ पर फल ना सही, परंतु कृष्ण के पास खाने का चबेना तो है। तुम्हारे पास चबेना है? कहाँ से आया? वो मुझे भूख कम लगती है ना, तो जब पिछली बार वन में लकड़ियां लेने आया था, उस समय गुरु माता ने जो चने दिए थे वो अब तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे। ये देखो, दो मुट्ठी भर चने निकल आए। ये दोनों मुट्ठी तुम्हारे लिए ही है। ये मैं नहीं ले सकता, तुम क्या खाओगे? मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं लगती। ले लो, ये तुम्हारे लिए ही है। नहीं, मैं नहीं ले सकता। देखो, मित्र की दी हुई वस्तु को ठुकराते नहीं, ले लो। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। मगर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कृष्ण, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। गुरु माता के दिए हुए सारे चने तुमसे झूठ बोलकर मैं अकेला ही खा गया हूँ। मैंने झूठ बोला है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे क्षमा कर दो।